so here i am back with another topic of ugc net today we are going to discuss the next topic from unit 6 this is incentives all right after discussing job evaluation ki ek job ka evaluation kaise kiya jata hai and why it is important to decide a salary through this evaluation is very very necessary नाउ माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कंपनसेशन मैनेजमेंट में नॉट जस्ट सैलरी इज इनफ फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ के अंदर जो आपको लीडरशिप मोटिवेशन की भावना जगानी है और अपने uh, बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है अपने इम्प्लॉयिज का ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो आपको सैलरी के साथ साथ व्हाट अदर बिजनेसेस आर डूइंग इन टूडेज वर्ल्ड दे आर गिविंग इंसेंटिव्स टू देयर इम्प्लॉय इंसेंटिव्स अगर आप दोगे तो दे विल वर्क विद मोर एनर्जी दे विल वर्क विद मोर डेडिकेशन बिकॉज दे वॉन्ट येस एवरीबडी वॉन्ट की वाई नॉट टू हैव सम एक्स्ट्रा अबव द सैलरी है ना कि कुछ और हो जाए तो अच्छा ही होगा ना तो दिस इज द सेम थिंग लेट्स डिस्कस कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं और इंसेंटिव्स क्यों इतने ज़रूरी हैं बिजनेस के अंदर यूजीसी नेट में इंसेंटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और इसमें आया था आपका डैश की फॉर्म में डैश दिया गया था एंड देन द होल डेफिनेशन यू हैव टू टेल और आपको जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे जॉब इंसेंटिव्स बोनस फ्रिंज बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स तो कंफ्यूज आप चारों में ही हो गए क्योंकि आपको चारों वर्ड्स लगेंगे ये इस डेफिनेशन का मीनिंग है बट माइ डियर स्टूडेंट्स फ्रिंज इंसेंटिविफिट रिवॉर्ड से कैसे अलग है रिवॉर्ड्स एक तरीके का इंसेंटिव होता है ओके okay, इंसेंटिव को हम रिवॉर्ड्स कह सकते हैं राइट दिस इज वन ऑफ द सब पार्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इंसेंटिव आर मेनली फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आ गया फाइनेंशियल रिवॉर्ड मीन जो इन द फॉर्म ऑफ मनी दी जाए देखिये यहाँ पर दिस गर्ल इज सो हैपी आफ्टर गेटिंग सो मैनी डॉलर तो ये एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी गिवन टू दर्कर्स ओवर एंड अब देर रेगुलर सैलरी जो आपका मंथली वीकली सैलरी है उससे अबव जो आपको मोनेटरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प नहीं रिवॉर्ड दिया जाता है टू मोटिवेट दम टू परफॉर्म बेटर और बेटर करते रहे okay? और ये इंसेंटिव क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपने अंदर देखिए दे इंक्लूड जैसे बोनस दे देना इंप्लॉयज को है ना फेस्टिवल बोनस मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग लाइक अगर बिजनेस को किसी साल किसी छः महीने बाद या किसी टर्म की वजह से डील की वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है तो उस प्रॉफिट में से आप कुछ परसेंट एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो उनको शेयर करवा सकते हो सेल्स ग्रांट दे देना स्टॉक ऑप्शन में उनको आप इन्वाइट कर सकते हो टू बाय द स्टॉक ऑफ द दे कंपनी देन आउटपुट रिलेटेड पे कि जितना आप आउटपुट दोगे उतने ही आपकी सैलरी इंक्रीज होगी ये भी एक तरीके का इंसेंटिव होता है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई नाउ इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है द कोर आइडिया इज़ टू फॉस्टर हाइयर रिजल्ट हर बिजनेस मैन चाहता है कि मेरे जो टारगेट है मैं उनको अचीव भी करूँ और साथ में और अबव एक्सेल करूँ है ना तो आपको जितने हाइयर रिजल्ट चाहिए अगर आपको इम्प्लॉयिज़ का मोरल बूस्ट करना है उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप लेकर आनी है येस वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ वी विल वर्क बेटर वी विल बी रिवॉर्डेड वी विल गेट रिकगनाइज दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंसेंटिव इंसेंटिव एक तरीके से एक इम्प्लॉई की मेहनत को दर्शाता है उनकी मेहनत को जब आप वैल्यू देते हो इम्पॉर्टेंस देते हो वो इंसेंटिव के थ्रू ही हो सकता है क्योंकि रेगुलर सैलरी तो हर कोई ले रहा है राइट right? देन अगर अब आपसे फीचर्स ऑफ इंसेंटिवस कोई पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं फीचर्स क्या रहेंगे फर्स्टली ये होते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मनी की फॉर्म में रिवॉर्ड जो दिया जाए मोटिवेट हाइयर परफॉर्मेंस ये मिलने के के बाद में एक मोटिवेशन आती है वो परफॉर्मेंस लिए और काम करते हैं। जो आपके हैं उनसे जब एक के जो गोल थे जो उसने डिसाइड किए हैं और वो अचीव हो गए तो ऑब्वियसली वो खुश होकर और इंसेंटिव तभी तो दे रहा है ना दे एनकरेज अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड हायर प्रोडक्टिविटी एवरी इंप्लॉय वॉन्ट्स टू वर्क बेटर एक कंपटीशन आ जाता है कि मुझे मेहनत करते ही रहना है और दूसरे से नहीं खुद से एक कॉम्पिटिशन की मुझे अपनी जो परफॉर्मेंस थी लास्ट टाइम उससे और बेटर करना है और वो इंसेंटिव लेना है दीज आर ऑफन टैक्सेबल एज इनकम इंसेंटिवस को हम टैक्स इनकम में जोड़ते हैं कैन इन्हेंस अ कंपनीज इमेज इफ एनी कंपनी इज गिविंग इंसेंटिव टू देयर इम्प्लॉयज इट्स इमेज विल ऑटोमेटिकली गेट इंक्रीज ओके बूस्ट अप द इमेज इन्हैंस्ड नाउ माई डियर स्टूडेंट्स अब आपको इंसेंटिवस का देखिए कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया मीनिंग फीचर्स भी आपने देख लिए कि कैसे एक इंसेंटिव उसको फ्रिंज बेनिफिट से अलग दिखाते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स भी आपका एक तरीके का रिवॉर्ड होता है जो इम्प्लॉयज को दिया जाता है एंड दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन तब आपको फ्रिंज बेनिफिट्स पढ़ के दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा खुद बेखुद कि कैसे इंसेंटिव अलग है तो अब इंसेंटिव को अगर हम देखा जाए क्या बेनिफिट देते हैं ये क्यों देना इतना ज़रूरी है वट इम्पोर्टेंस डज दिस हैव वट आर द एडवांटेजेस सो इंसेंटिवस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पार्ट है एक मेजर कंपनजेशन मैनेजमेंट जिसमें इम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है तो वो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बाय ड्राइविंग द इम्प्लॉयिज परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ़ रिवॉर्ड एंड रिकोगोगनिशन इससे इम्प्लॉयिज़ को रिवॉर्ड मिलता है रिकोगनीशन मिलती है लोग उसको जानते अरे इसने अब की बार बढ़िया काम किया था आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप कभी आई डोंट नो आप कभी बाबी क्यू में जाएँगे मेरे को वहीं का ही प्लेस याद है यू कैन गो अदर प्लेसिस ऑल्सो वहाँ पर क्या होता है जो आपके होटल्स बार्स रेस्टोरों हैं वहाँ पर देखिएगा एक डिस्प्ले बोर्ड होता है और डिस्प्ले बोर्ड पर सारे एम्प्लॉयीज़ को स्टार्स दिए गए हैं ऑफ़ देयर परफॉर्मेंस एंड दैट्स काइंड मंथ बेसिस मंथ मंथली उनको एक स्टार दिया जाता है एंड इम्प्लॉय ऑफ द मंथ चूज किया जाता है कि उस मंथ में कौन इम्प्लॉई ऑफ द मंथ है मीन्स विच मेम्बर ऑफ इम्प्लॉय या किस इम्प्लॉय ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उस मंथ में तो उस इम्प्लॉय को, जितन, को जितने जिस इम्प्लॉय को जितने ज़्यादा स्टार्स दिए होंगे दैट विल गेट रिकोगनाइज तो इफ़

So this exposure often leads to a boost in the morale and motivation encouraging the employees to work and strive for the excellence. Right my dear students, I hope you understood what is the incentive. With this, this session is over and I hope you get all your doubts clear regarding this and if any students have any kind of doubt related to this session, related to the notes, the, any business inquiry you want there is an email learn with nishman you can come and mail us your query at here with this i hope you enjoyed stay tuned for the next session and keep following